रेलवे अधिकारी से 20,000 रुपए रिश्वत मांगने पर जांच टीम गिरफ्तार। साफ सफाई पर नजर रखने के लिए रेलवे ने सर्वे करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया नाम की कंपनी को ठेका दे रखा है, जिसके कर्मचारी देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर जाकर वहां की सफाई व्यवस्था का जायजा लेकर एक रैंकिंग रिपोर्ट बनाकर रेल मंत्रालय को उस रिपोर्ट से सूचित करते हैं, जिसके आधार पर रेलवे के अधिकारी किसी भी तरह की कमी होने पर उस मंडल के अधिकारियों को उस कमी को दूर करने का निर्देश देते हैं। मुरादाबाद में भी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया नाम की कंपनी के 2 कर्मचारी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का सर्वे करने आए थे। इन दोनों कर्मचारियों की टीम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और दोनों अधिकारियों ने उसके बाद रेलवे के अधिकारियों से कहा कि अगर वो और ज्यादा अच्छी रैंकिंग चाहते हैं तो उन्हें 20,000 रुपए रिश्वत के देने होंगे, जिस पर जीआरपी मुरादाबाद में मामला दर्ज करा दिया। अभी मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बता दूं कि हमारे सभी स्टेशनों का एक कंपनी है जिसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत द्वारा सरकार द्वारा संचालित है, उसके द्वारा सभी ट्रेनों इनकी स्टेशनों का एक सर्वे किया जा रहा है और उनकी रैंकिंग देने के लिए ये एक श्री जितेंद्र कुमार सिंह CMI हैं यहाँ पे, उनसे ये मिले और 25 तारीख को आए थे और आने के बाद इन्होंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे 10,000 रुपया दोनों को दे दें तो मैं आपकी रैंकिंग जो है वो अप कर दूँगा। और ये वादी द्वारा अपने सीनियर्स को बताया गया, उन्होंने कहा कि ठीक है इसके बारे में सीनियर्स को लेकर के और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत के होना चाहिए और उन्होंने तहरीर दिया। फिर मेरे द्वारा धारा 8 एंटी करप्शन एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मेरे द्वारा इसकी जाँच संपादित की जाएगी, विवेचना की जाएगी, इनको समय से मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करके अगली कार्रवाई की बात। अच्छा, इस कंपनी द्वारा जो नामित किया गया सर्वे को लेकर, तो ये मुरादाबाद में पहली बार सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे करने के लिए आए थे? मुझे जो जानकारी है यही है कि पहली बार आए, इससे पहले भी होती रही है जैसा कि सुना है, बट ये लोग पहली बार यहाँ आए मुझे जो जानकारी है, और इनके बारे में अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं कह सकता हूँ, विवेचना के विषय जो भी सामने आएगा वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं।